स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अब हम लोग चैप्टर जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे उसमें का आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। पीछे आपको बताया गया था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के ऑल अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अराइजेज हो जाता है, जिसके पैटर्न को, जिसके डायरेक्शन को, जिसके शेप को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से बनाना जाने थे कि एक कार्डबोर्ड पे वाइट पेपर ले लेंगे, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लेकर उसे स्प्रेड करेंगे, बीच से जो हमारा वायर जग गया जाएगा उसमें करंट फ्लो कराएंगे, और जैसे करंट फ्लो होगा उसके वायर के चारों तरफ ऑल अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है, तो उनकी फील्ड लाइन कैसे बनेगी उसी डायरेक्शन में उस पेपर पर आपके आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के डायरेक्शन को बनाएंगे, और उसको हम लोग जान चुके हैं। वो डायरेक्शन हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का, उसके किसी वायर के में जिसमें करेंट हम फ्लो करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, किस तरह का होता है, इसके बारे में एक रूल आता है जिस रूल को हम कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हम लोगों को किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के बाद उसके ऑल अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जो अराइज होता है उसके डायरेक्शन को डील करता है। और उस रूल में ये बताया गया है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, उसको अपने राइट हैंड में इस तरह से कैच करें, इस तरह से होल्ड करें कि करंट जिधर जा रही है, मान लीजिए इधर करंट जा रही है तो हमारा ये राइट हैंड का थंब उस डायरेक्शन में हो, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सपोज कर लें ये कंडक्टर हो, तो इसको चारों तरफ से हमारी फिंगर जो है कर्ल बना करके घेरे हुए हैं। तो वो ये रूल ये बताता है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि इस कंडक्टर में अगर करंट जो फ्लो हो रही है उसका डायरेक्शन इधर है और थंब भी हमारा उधर हो जाए, तो इस कंडक्टर के ऑल अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारी ये फिंगर इस कंडक्टर को कर्ल करके पकड़े हुए हैं। ये रूल में यही बताया गया है, तो इसको अब हम देखते हैं। लेट्स सी हियर राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? दिस रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये रूल हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है रिलेटेड टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड माने करंट फ्लो होने पर कंडक्टर के ऑल अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है उसके डायरेक्शन को ये रूल बताता है, लॉ बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, लेट सपोज यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ऐसा सपोज करें कि कंडक्टर को हम इस तरह से अपने राइट हैंड में पकड़े हैं कि थंब हमारा उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो पॉइंट देन योर फिंगर पॉइंट्स विल कर्ल अराउंड, तो हमारा फिंगर इस कंडक्टर के चारों तरफ कर्ल बनाएगा, घेर लेगा इसको, कर्ल अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। तो इसके चारों तरफ जो फिंगर का कर्लिंग कंडीशन होगा इस डायरेक्शन में, इसके ऑल अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है। उसको ऐसे कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन ये है इसमें, और हम इसको ऐसे पकड़े तो ये डायरेक्शन में अगर हम थंब को रखे हैं तो इसके ऑल अराउंड में ऐसे सर्किल बना करके जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके ऑल अराउंड में ऐसे होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें है। तो ये रूल राइट हैंड रूल हमारे सामने यही है जिससे हम किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है वो
किस तरह से कंडक्टर के चारों तरफ करंट फ्लो करने पर होगा उसको बताता है। तो आप रिमेंबर करेंगे राइट हैंड रूल, दिस रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू द कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस रूल लेट सपोज यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड, ऐसा सपोज करते हैं कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने दाहिने हाथ में इस तरह से कैच किए हुए इन सच ए वे दैट हम पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से कैच किए हुए पकड़े हुए हैं कि थंब हमारा करंट के डायरेक्शन में है। देन योर फिंगर विल कर्ल अराउंड द कंडक्टर, तो हमारी अंगुलियां जो होती हैं ये इस कंडीशन में इस कंडक्टर के चारों तरफ कर्ल बनाएंगी, और ये कर्ल का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, जो इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो उंगलियों के कर्ल का डायरेक्शन शो करता है। ये आपका फिगर बना हुआ है, इसको आप समझेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक चीज यहाँ पे हमारा आता है सोलिनॉयड। सोलिनॉयड एक्चुअली क्या है? तो सोलिनॉयड हम कापर के इंसुलेटेड वायर को सिलेंडर के फॉर्म में, अगर टर्न वायर उसको सिलेंडर के फॉर्म में टर्न करके बना लें, क्वाइलिंग कर लें और उसमें करंट फ्लो कराएं, तो वो हमारा सोलिनॉयड बनता है। और ये सोलिनॉयड करंट के फ्लोइंग के ड्यूरेशन में जैसे बार मैग्नेट एक्ट करता है नॉर्थ पोल साउथ पोल जिसमें बार मैग्नेट में जो बिलोंग करता है, वैसे ही इसमें भी बार मैग्नेट की तरह से नॉर्थ साउथ पोल बिलोंग करेगा। हम इसमें भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगी और साउथ पोल में इंटर करेंगी, और तो इसमें ये बिल्कुल एक मैग्नेट के जैसा बिहेवियर करता है सोलेनॉयड। लेकिन जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा, तभी तक ये मैग्नेट का के जैसा बिहेवियर इसका रहता है। मैग्नेट करंट फ्लो होने के बाद से बिहेवियर इसका ब्रेक हो जाता है। तो इसको आप सोलेनॉयड के रूप में ऐसे देखेंगे, जैसे एक क्या होता है सोलेनॉयड, तो ये इसके बारे में देखेंगे। कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्म्स, बहुत सारे सर्कुलर टर्म वाला कॉयल, बहुत बार ऐसा कॉयलिंग करके बनाया गया है। आप इंसुलेटेड कापर वायर का बहुत सारा सर्कुलर टर्म वाला क्वाइल बनाया जाए, रैप क्लोजली पास लपेट के बनाया जाए इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, और उसको बनाने से जैसे सिलेंडर जैसा दिखे। जैसे मान लीजिए कि आप हीटर का क्वाइल देखते हैं, उसको निकालिए और ऐसे हाथ में होल्ड करिए तो लगेगा आपको वो सिलेंडर का शेप बनाया है, सिलेंडर का शेप बनता है। न ज़्यादा कोई टर्म बड़ा होगा, ना टर्म कोई टर्म छोटा होगा, सबका बाउंड्री सबका डायमीटर सेम होगा। उस तरह से वो सिलेंडर के फॉर्म में अगर हम उसको बना लें तो उसी को कार्ड इज ए सोलिनॉयड, तो उसको हम सोलिनॉयड बोलते हैं। ए कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्म्स ऑफ इंसुलेटेड कापर वायर रैप क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड ए सोलिनॉयड। सोलिनॉयड का मतलब हुआ कि कापर इंसुलेटेड कापर के वायर को बहुत सारे सर्कुलर फॉर्म के टर्म मिला करके क्वाइल बनाया जाए, तो इसी को हम सोलिनॉयड कहते हैं। वेन वी पास करेंट इन इट पास करेंट, इट एक्ट एज ए बार मैग्नेट। जब इसमें हम करेंट पास करते हैं तो ये एक बार मैग्नेट की तरह से वर्क करता है। इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है जो शेप बनता है, इसके भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करें तो बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न का मैग्नेटिक लाइंस हमको मिलती है। तो ये इसी मैग्नेटिक लाइंस के पैटर्न के बेसिस पे कहा गया कि ये बार मैग्नेट की तरह से एक्ट करता है। बार मैग्नेट क्या करता है हमारा, जब उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे
तो वह हमेशा और हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। इसको भी फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा करके, तो ये भी जो हिट इसका नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा जानिए वो नॉर्थ है, और जो हिट इसका साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा जानिए वो साउथ है, और बिल्कुल वो जैसे बाढ़ में रेस्ट करता है वैसे ये भी रेस्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोलेनोइड भी एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम बनाते हैं और इन बार मैग्नेट की तरह से यूज करते हैं।